वेलकम बैक टू थम्स किचन। थम्स किचन में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तिल के लड्डू बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस लड्डू को बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले मैंने एक कटोरी तिल लिया है, इसको फ्राई कर लेंगे। इस तिल को हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हल्का फ्राई हो जाने पर अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाने पर ये देखिए मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है और इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये तिल हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा सा तिल अलग एक बर्तन में रख लेंगे। ये तिल हमें गार्निश में काम आएगा। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ये फ्राई किए हुए तिल को डालेंगे। मैंने 200 ग्राम के लगभग तिल लिया है और इसमें 1 ढेला गुड़ मिलाएंगे। इसे मैंने हल्का कूट लिया है जिससे ग्राइंड करने में आसानी होगी। अब इनका एक अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पाउडर बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस लड्डू में एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हाथों में थोड़ा पाउडर लेकर इसे लड्डू का आकार दें, कुछ इस तरह से लड्डू बनाएं। ये देखिए लड्डू बना लिया है। अब गार्निश के लिए हमने जो तिल रखा था उसमें इस लड्डू को डालकर तिल से गार्निश करें। ये देखिए लड्डू बनकर तैयार है। इस तरह हम बड़े आसानी से तिल के लड्डू बना सकते हैं। अब दूसरी ओर तिल से मिनी तिलकुट बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई गैस पर रखेंगे। कढ़ाई हल्का गर्म हो जाने पर अब इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है, साथ ही थोड़ा सा पानी लिया है। अब इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। 200 ग्राम तिल में मैंने 1/2 ढेला गुड़ लिया है। ये देखिए चाशनी भी बनकर तैयार है। चाशनी तैयार हो जाने पर अब इसमें चाशनी को सॉफ्ट रखने के लिए इसमें थोड़ा सा घी मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह चाशनी में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें फ्राई किए हुए तिल मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए 2 से 3 मिनट रख देंगे। 2 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये तिल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम दस्ता की सहायता से कूट कर एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। ये देखिए डो तैयार है। अब इस तिल और गुड़ के डो से छोटे छोटे मिनी बॉल्स तैयार करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से बॉल बना लें। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स तैयार कर रखे हैं। अब इसे कूट कर थोड़ा सा चिपटा आकार दें और प्रेस करते हुए इसे तिलकुट का आकार बनाएं। ये हमारा मिनी तिलकुट तैयार है। इसी तरह इजी और स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।